हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए केवल आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को, जिसका नाम डॉलीज कोचिंग मेथड है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिएगा, जिससे जो नोटिफिकेशन है जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले अवेयर हो सकें। हमारा चैनल इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है, सारे सब्जेक्ट में है। आप मैथ का भी चेक कर सकते हैं या जो जो आपने और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, तो 200 के आसपास वीडियो पड़े हुए हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब और उसके बाद आगे चलते हैं। पांच पांच क्वेश्चन हम उठाएंगे और उनके आंसर आपको बताएंगे क्या करेक्ट हैं। आप तो अपना क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और चिक के चेक कीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो हेयर वी गो। तो दोस्तों, ये जो पहला पार्ट है स्पॉट द एरर का, स्पॉटिंग एरर में जो पहला क्वेश्चन है, ओपनिंग दिस लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो दोस्तों, इसमें पहला सी जो है उसमें एरर है, देखिए आपने किस पे टिक किया है। और मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर 50 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे या बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो और अब फटाफट सारे चेक कर लें, तो मैं एक के बाद एक बताते जाऊंगा। और जो पास में मैंने वीडियो में क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है उसमें ऑलरेडी पहले ही उन पे टिक किया हुआ है, तो आप उन पे भी देख सकते हैं और जो मैं बताता जा रहा हूँ उसे भी सुन सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन था, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। सो प्लीज, इस दूसरे वाले का जो आंसर है वो ए है। और उसका तीसरे पे पहुंचते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, इसमें तो जो आंसर है वो सी है। और फोर्थ पे पहुंचते हैं, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड, इंटू नहीं आएगा सर दोस्तों। तो यहाँ पर ए है इसका आंसर, जिसमें एरर है। पांचवें पहुंचते हैं, फ्रॉम 30 ईयर्स, बिल्कुल गलत है, ए ही आंसर है इसका। जो एरर आपको स्पॉट करनी है वो ए पोर्शन में है। उसके बाद सिक्स्थ पे पहुंचते हैं, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, इसमें भी ए ही है क्योंकि आपको पता है दोस्तों इसमें विल नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना होता है। और सेवंथ है, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक, सी आंसर है इसका। सी जो पोर्शन है उसी में एरर है सेवंथ क्वेश्चन के। अब हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, इफ यू लेंड मोहन अ पेन ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, इसमें भी सी आंसर है दोस्तों। नाइन्थ पे पहुंचते हैं, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, आपको पता है दोस्तों बी आंसर है हमारा, बी पोर्शन गलत है। और टेंथ में भी बी पोर्शन गलत है। तो दोस्तों, स्पॉटिंग एरर्स उम्मीद है आपने चेक कर लिए होंगे, नहीं चेक कर पाए हो तो पास में जो मैंने पेपर का वो डाला हुआ है, फोटो डाला हुआ है, उससे मैच करा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सिनोनिम्स पोर्शन पे। सिनोनिम्स में जो पहला था, सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर, एनकाउंटर का सिनोनिम आपने ढूंढना था इसमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, दोस्तों इसका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट इसका, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज है, तो उसका आंसर सी है, मिजरीज को ग्रेट सफरिंग्स भी कहते हैं। 13, ग्लांस एट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव अस डिलाइट, तो ये इसका आंसर बी है, हैप्पीनेस है। उसके बाद नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टर्वेशन, इसका आंसर डी है, स्टर्वेशन का मतलब हंगर होता है, भुखमरी होता है। 15th, द यूनिवर्सिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी टू लुक इनटू द मैटर, में आंसर बी है। 16th, राकेश डिलीवर्ड ए स्टैंडर्स स्पीच, में आंसर ए है, इसे एब्यूसिव भी कहते हैं, किसी को अपमानित करने वाली। 17th का आंसर डी है। इसी तरह 18th का आंसर बी है। 19 का डी है, द अरेब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लाइफ वाले का। और जो 20th क्वेश्चन है, द वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी, इसका आंसर ए है। तो दोस्तों, मुझे लगता है सिनोनिम्स वाला आपने चेक कर लिया हो, नहीं चेक कर पाया हो तो बगल में फोटो है उसमें देख लीजिएगा और अकॉर्डिंगली आप मैच करा लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके भी अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है एंटोनिम्स का। तो एंटोनिम्स का जो पहला क्वेश्चन है, रमेश इज अ वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर, तो ये ड्यूबियस कैरेक्टर क्या होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, इसीलिए इसका आंसर सी है।
नेक्स्ट है डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज, इसका आंसर ए है. नेक्स्ट है ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्यूरेबल डिजीज, इसे टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल डिजीज कहते हैं, तो इसका आंसर टर्मिनल डिजीज है. नेक्स्ट है ही वॉज बॉर्न ऑन ए वेरी ऑस्पिशियस डे, तो ऑस्पिशियस डे को ओमनियस भी कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी है. 25th में पहुंचते हैं, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स मोहन, तो ये हॉस्टिलिटी को हम फ्रेंडशिप कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी है. हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस, इसका आंसर ए है. नेक्स्ट है मैकबेथ इज ए मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर, इसका आंसर बी है. द सेरेन ब्यूटी ऑफ कश्मीर, इसका आंसर डी है. और लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर, इसका आंसर सी है. सो ही इज अ वेन पर्सन, इसका आंसर ए है. तो उम्मीद करता हूं आपने एंटोनिम्स वाले भी मिला लिए होंगे, नहीं मिला पाए हैं तो बगल में फोटोज हैं, उन्हें देख के और वीडियो को पास करके आप मैच करा सकते हो. नेक्स्ट पोर्शन है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. तो इसका पहला क्वेश्चन है अ डार्क हाउस, किसे कहते हैं अ डार्क हाउस, अ डार्क हॉर्स सॉरी. तो अ डार्क हॉर्स क्या होता है, अ पर्सन हु विंस अ रेस और कंप्लीशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू डू, अगर कोई आदमी ऐसी चीज जीत जाता है इसके बारे में उससे उम्मीद नहीं की जाती थी, उसे हम अ डार्क हॉर्स कहेंगे. तो इसका आंसर दोस्तों बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ शो स्टॉपर, इसका आंसर सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका आंसर ए है. समवन हु हैज मेनी स्किल्स, जो सब तरह के काम कर सकता हो. और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइट टूथ एंड नेल, इसका आंसर बी है. नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, इसका आंसर ए है. उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है वो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज आता है, जिसे हम क्यू आर पी एस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्यू आर पी एस की शेप में होते हैं. तो दोस्तों उसका जो पहला क्वेश्चन था वी डू नॉट नो वॉट टू डू विद आवर नॉलेज, इसका आंसर ए है. एस पी आर क्यू इसका सीक्वेंस बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट, है ना, इसका आंसर बी बनेगा. पी एस क्यू आर इसका सीक्वेंस होगा. तो ये इस पोर्शन में केवल दो ही थे. नेक्स्ट पोर्शन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ, आप चेक करिएगा. और अगर चेक करने में दिक्कत हो रही है तो साथ में फोटो चल रहा है वीडियो में, तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप चेक करके अपने जो आपने किया है उसे चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है सर. तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस पोर्शन है हमारा. इसका पहला क्वेश्चन है द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस अनआइडेंटिफाइड गनमैन, तो इसका आंसर ए है. इसका क्यू एस आर पी है इसका जो सीक्वेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड दिस स्टेट, इसका आंसर डी है. नेक्स्ट है द फादर ऑल्सो इन स्पीड फॉर जस्टिस, इसका आंसर बी है दोस्तों, ऑर्डरिंग ऑफ ए सेंटेंस का. नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, फिर मैं आपसे वही कहना चाहूंगा जो अभी कह रहा था, आप आराम से वीडियो को पॉज करके और चेक कर सकते हैं. साथ में मैं फोटो चला रहा हूँ क्वेश्चन पेपर की. नेक्स्ट जो पोर्शन है कॉम्प्रीहेंशन है, और कॉम्प्रीहेंशन में जो पहला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया क्या है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन वन नेशन अलॉन्ग विद डिफरेंसेस, सी इसका सही आंसर है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ग्रेट सेजेस ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश पिलग्रिमेज इन द डिफरेंट कॉर्नर्स, इसका आंसर ए है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पैसेज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेलवे, इसका आंसर ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही, इसका आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराग्राफ इज रिटन इन अ, इसका आंसर डी है. दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो ये ब्लॉक्स हैं एबीसी सॉरी कॉम्प्रीहेंशन और ये जो डिवाइडेशन किया है ये आगे पीछे हैं, तो मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ पोर्शन का नाम क्या है. कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन आपका जो भी हो आप उसमें चेक करिएगा, एंटोनिम्स पोर्शन जो भी हो उसमें चेक करिएगा. इसीलिए बारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स की, तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स पे पहुंचते हैं और देखते हैं. इसमें जो पहला गैप है पहले ही क्वेश्चन में गैप है, उसका लिखा है फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन, तो ये फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन में इससे पहले डेंस आएगा क्योंकि घने जंगल को डेंस फॉरेस्ट कहते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री पीपल वर अरेस्टेड एंड एन इलीगल आर्म्स यूनिट वाज बाई, तो ये सी है इसका आंसर, डिस्कवर्ड आएगा. नेक्स्ट है वीमेन गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव ऑफ, ए आएगा, इसका आंसर ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट आई, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, इसमें डॉज्ड ऑफ, मतलब इसका सही आंसर सी है.
और लास्ट क्वेश्चन है द कॉप्स मर्डर बाय किन, बीच में ब्लैंक स्पेस था द कॉप्स के बाद में, और इसका आंसर ए है, द कॉप्स सस्पेक्ट मर्डर बाय किन, किन रिश्तेदारों को कहते हैं, सगे लोगों को कहते हैं, सगे संबंधियों को कहते हैं, तो इन्हीं लोगों ने किसी ने मर्डर किया है ऐसा कॉप्स को शक है, तो यहाँ सस्पेक्ट आएगा। दोस्तों इस तरह से ये आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर चेक कर चुके होंगे मुझे लगता है, ये मेरे हाथ में है और मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे अवेलेबल कराया था। दोस्तों फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनका भी कोई फायदा हो सकेगा। अगर आप बरेली या आसपास कहीं रहते हैं तो हमारे पास में आ सकते हैं फेस टू फेस स्टडी के लिए, हमारा कोचिंग बहुत अच्छा है, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और पैसे को ज़्यादा प्रिफ्रेंस हम लोग नहीं देते हैं, एक सोशल सर्विस जैसा काम करने की कोशिश करते हैं, छोटे बैचेज बनाते हैं और मोस्टली सक्सेस आराम से मिलती है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी नंबर आप पीछे देख रहे हैं, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब देख लीजिएगा, 7088705 पे आप फोन करके बात कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा आपका पेपर अच्छा हुआ हो, है ना, यही रिक्वेस्ट है, और फिर से उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बताइएगा जिससे उन्हें भी कोई फायदा हो पाए। ओके बाय।